25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के गांव नगरिया निवासी 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त इदरीस को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुए गोफशी के मामले में पुलिस ने कई अभियुक्तों को पकड़ा था, जिन्हें छुड़ाने के लिए कुछ अभियुक्तों ने पुलिस से मारपीट की और पुलिस के ऊपर पथराव किया था। जिस मामले में इदरीस के ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। ये खुलासा नहीं बल्कि एक 25,000 के इनामी की गिरफ्तारी हुई है, उससे संबंधित है। नगलिया अकिल में एक गोकसी का मामला पकड़ा गया थाना अजीम नगर क्षेत्र, और बाद में कुछ लोगों ने जुट करके जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे पुलिस से मुजामत करके उन्हें छोड़ा। उसी का जो एक महत्वपूर्ण अभियुक्त इदरीस, जिस पर 25,000 का इनाम भी 19 जनवरी को घोषित हो चुका था, आज उसकी गिरफ्तारी स्वाट टीम और अजीम नगर पुलिस ने किया है। उसे माननीय न्यायालय के समक्ष दिया गया है, जहां से वो न्यायिक परीक्षा में लिया। इसका कोई सर आपराधिक रिपोर्ट नहीं, वो किसी में ये लोग पकड़े गए थे और उसके बाद इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया था जी, पुलिस के साथ मुजामत की, मारपिटाई की और मुलजिम छुड़ा लिया। रामपुर जिले में सर अभी भी जो है पशु की गाड़ियां जो है अंदर जाती हैं, कोई देख रेख नहीं, पुलिस की ड्यूटी भी लगी उसके बाद भी जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो पिछले वर्षों की तुलना में 2018 में पशु क्रूरता और गोवध निवारण अधिनियम मुकदमे 2.5 गुने से ज़्यादा लिखे गए। इस नाते ये नहीं कहा जा सकता, ये अलग बात है कि हमारी भी अपनी प्राथमिकताएं हैं और उस प्राथमिकता में अगर पुलिस कहीं और व्यस्त हो जाती है तो इस तरह का धंधा करने वाले लोग लुका छिपी कर देते हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से आम आदमी ये महसूस करता है कि रामपुर में जिस तरह की गोकसी और पशु क्रूरता होती थी, लगभग 90% बंद हो गई। आज शॉर्ट की टीम और थाना अजीम नगर पुलिस ने मिलकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।